ये प्रिया है, ये भारत में बचाए गए बच्चों के केंद्र में रहती है। नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रिया दिल्ली के पास पली बड़ी है। वो हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पास रहने वाली एक महिला ने उसे बताया कि वो शहर में काम करके एक बेहतर जीवन जी सकती है। इस वजह से प्रिया एक नौकरानी के रूप में काम करने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसे झूठ बोला गया था। दूसरी लड़की के साथ एक छोटे से कमरे में रहते हुए उसे हर दिन 14 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जिस परिवार के लिए वो काम करती थी, वो परिवार उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वो मारपीट करते थे और क्रूर थे। ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर एक दिन प्रिया को बचाया गया। प्रिया अब बेहद खुश है और वो सुरक्षित है, लेकिन कभी कभी वो अपने पिछले अनुभवों के बारे में भी सोचती है। जब मैं पहली बार बच्चों के केंद्र में आई तो मैं काफ़ी परेशान थी। मैं किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाती थी और कभी कभी तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी और मैं किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती थी और दूसरे बच्चों की पिटाई कर देती थी। कभी कभी मुझे सच में घबराहट महसूस होती थी, जैसे कि मैं आराम से नहीं रह पा रही हूँ। मुझे पसीना आता था और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती थी। मुझे दस्त होते थे और पेट में दर्द भी रहता था। कभी कभी जब मैं उठती थी तो मेरा बिस्तर गीला होता था। लेकिन प्रिया को जल्द ही पता चल गया कि कई अन्य बच्चे भी इसी तरह की भावनाओं और अनुभवों से गुजर रहे थे। केवल मैं ही नहीं थी जिसके पास अनचाही यादें थी और जिसको पिछली घटनाएं बार बार याद आती थी। मैं अकेली नहीं थी जिसको ये डर लगता था कि उसे वापस भेज दिया जाएगा। अब मैं जान चुकी हूँ कि कभी कभी उदास, चिंतित या भयभीत महसूस करना आम बात है, और मुझे पता चल गया है कि हिंसा का इस्तेमाल करना गलत है। दूसरों के साथ बात करना गुस्से से छुटकारा पाने और बेहतर महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत समय के बाद प्रिया की बुरी भावनाएं कमजोर होने लगी। आपको भी प्रिया के जैसे लगता होगा। आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती होंगी, पेट खराब हो जाता होगा या आसानी से चौंक जाते होंगे। आपको अपने अतीत के बारे में बहुत सारी बातें याद आती होंगी और आप लोगों से दूर रहना चाहते होंगे। ये एक आम प्रतिक्रिया है और उन्हें महसूस करना स्वाभाविक है। समय के साथ ये कमज़ोर पड़ने लगेगी। आप इन भावनाओं पर ये जानकर विजय प्राप्त कर सकते हैं कि दूसरों के साथ भी ऐसा होता है और ये हमारे शरीर की एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। जब आप खराब महसूस कर रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। वो आपका कोई दोस्त या केंद्र में कोई देखभाल करने वाला हो सकता है। अपनी भावनाओं को अपने अंदर मत दबाएं। और यदि आपको कभी भी फिर से किसी व्यक्ति से डर लगे, तो जब तक आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप जितने चाहें उतने लोगों से बात कर सकते हैं। आपकी देखभाल करने वाले लोग आपको बाहर से सहायता प्राप्त करने के लिए एक नंबर भी दे सकते हैं।